आज हम निकले हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, एक ऐसे जानवर की तलाश में जिसमें हजारों सालों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ये है साहसी दबंग योद्धा सरीखा, एक सींग वाला गैंडा। ब्रह्मपुत्र के दलदली घास के मैदानों पर सदियों से इस शानदार जीव का साम्राज्य रहा है। हम पहुंचे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूर पोबीतोरा अभयारण्य में। चिड़ियों के चहचहाने से सुबह 5 बजे ही आंख खुल गई। कमरे की खिड़की खोली तो दिखा पूरा इलाका धुंध की सफेदी में डूबा है। वन विभाग के हाथी को मौसम खूब रास आ रहा है। रात भर तेज हवाओं के कारण जमकर बारिश हुई है। पोबीतोरा लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का छोटा अभयारण्य है। इस हिस्से में कोरई का जंगल है, लेकिन आजकल पतझड़ हो चुकी है। पहली नजर में यह बड़ा खाली खाली सा नजर आता है। डेका हमें ऐसी जगह लाए हैं जहां अक्सर गैंडे आते जाते दिख जाते हैं। तभी कुछ दूर एक गैंडा आता दिखाई दिया। घास के मैदानों के इस जानवर को पेड़ों के बीच देखना एक अनोखा अनुभव है। आमतौर पर यह अपनी चुनी हुई पगडंडियों का इस्तेमाल करते हैं, और तो और ये गोबर भी एक ही जगह करते हैं। ये ढेर महीनों नहीं सालों पुराने भी हो सकते हैं। डेका पूरी तरह सतर्क है। दरअसल ये जरा सी बात पर भड़कने वाला गुस्सैल जानवर है। एक और गैंडा ये भी हमारी ही तरफ बढ़ रहा है। इतने पास होते हुए भी इसने हमें देखा नहीं। गैंडे की नजर कमजोर होती है, पर सूंघने की शक्ति काफी तेज। हवा में हमारी गंध ने इसे चौंका दिया। दूसरा गैंडा भी पेड़ों के पीछे ओझल हो चुका है। यहां एक नहीं, ऐसे दर्जनों हैं। संरक्षित वन क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा ये अवैध कटान चौंकाने वाला है। हम पोबीतोरा के एक और हरे भरे हिस्से की ओर निकल पड़े हैं। दुनिया भर में गैंडों की 5 प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन इनमें एक सींग वाला भारतीय गैंडा डील डॉल में दूसरे नंबर पर है। इसका मुख्य भोजन घास है। पोबीतोरा सैंक्चुरी आसपास के गांवों के मवेशियों के लिए खुली चरागाह है। जंगली भैंसे के लिए तो ये पालतू भैंसों के साथ मेलजोल बढ़ाने का भी मौका है। घास कम है, होड़ तेज। पालतू जानवरों से ये करीबी संपर्क अभयारण्य के जानवरों के लिए बीमारियों की आशंका भी बढ़ाता है। गैंडों का ये संरक्षित क्षेत्र चारों तरफ से गांवों और खेतों से घिरा है। अंदर चारे की कमी हो तो भला ये खेत गैंडे को क्यों नहीं ललचाएंगे? एकदम पूरा खेत खाया है। हाँ, रास्ता का बगल में एकदम ओ जो घर देखा है ना, ओ वहाँ तक हमारा खेत है, सब खाया है, सब खा गया। ओ, उसमें 4 बीघा जमीन बिल्कुल से खत्म कर दिया। तो नुकसान होता है बहुत वहाँ का, तो हम छोड़े दिया है, लेकिन यहाँ में इतना नुकसान है।
जंगल से यहाँ खाने क्यों आता है? उसमें घास नहीं है, घास नहीं है, बिल्कुल घास नहीं है। इधर घास है, ये खाने तो अच्छा हरा घास है। हाँ हरा घास, उसका खाने में मजा आता है, और जब खाने लगता है उसको भगाने नहीं सकता, बड़ा डरी लगा देता है, कुछ भी करेगा नहीं भगेगा, पत्थर थोर मार के फिर भगाता है, नहीं भगाने से तो खा जाएगा। मरने का भी हम दौड़ता नहीं है, उसको भगाएगा जैसे भी, चाहे उधर भगाएगा, चाहे इधर भगाएगा, चाहे इधर भगाएगा, उसको भगाने पड़ेगा। जैसे पैर का निशानी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसा देता है? कुछ नहीं देता। अच्छा, कुछ नहीं, एक नया पैसा नहीं देता। हाँ, कुछ नहीं देता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आके ये ड्यूटी मारता है, हाँ रास्ता रास्ता घूमता है, खेत खाने से वो लोग भगाता नहीं, खाने देता है। कम हमारा 2-3 हज़ार रुपया का नुकसान हो। आदमी को मारेगा? बहुत आदमी मारा है, खेत खा जाता है, थोड़ा मन खराब लग जाता है, गरीब आदमी है। हाँ, नहीं तो उसको हम कभी हिंसा नहीं करता है, कोई भला हम लोग का आदमी कोई नहीं मारता है। अच्छा, हाँ कोई नहीं मारता है उसको। किसानों का नुकसान तो है, लेकिन बेचारा गैंडा जाए तो जाए कहाँ। अभयारण्य की घास मवेशी चर जाते हैं, खेतों तक आता है तो किसान हल्ला बोल देते हैं। पोबीतोरा के दलदली इलाके विभिन्न प्रकार के पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। गैंडे की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पानी, कीचड़ और दलदलों में बीतता है। इनके अपने अपने पसंदीदा ठिकाने होते हैं। कीचड़ में लोट लगाना इसे खूब पसंद है। इसका दोहरा फायदा है, ठंडक देने के साथ साथ कीचड़ का लेप मक्खी मच्छरों के हमले को भी बेअसर कर देता है। ये मादा अपने बड़े बच्चे के साथ इसी कीचड़ की तरफ बढ़ रही है। गैंडे की मौजूदगी का इन जंगली भैंसों पर कोई असर नहीं, कीचड़ इन्हें भी इतना ही आकर्षित करता है। इसके पुट्ठे पर कुछ लगा हुआ है, टेलीफोटो लेंस से देखने से पता चला कि वो एक बड़ा घाव है और उससे खून रिस रहा है। मैंने देख करके उसको फला से मार दिया है, फला उसका साथ ही लग गया, बस सेंचुरी में चला गया है, फिर गया था। अभयारण्य के जानवर पर भाले से हमला बात विचलित करने वाली है। समझ नहीं आता कि इसका अब तक इलाज क्यों नहीं हुआ। रात फिर जोरदार बारिश हुई। हम गुब्बारे के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े हैं। रास्तों की हालत बहुत खराब है, गाड़ियां कीचड़ में फिसल रही हैं। 1.5 क्विंटल साजो सामान से लदी हमारी पिकअप तो फंस ही गई। जैसे तैसे हम पोबीतोरा के पूर्वी छोर पर उस मैदान तक पहुंचे जहां से उड़ान भरनी है। हम 2-3 दिन से बलून उड़ाने की कोशिश में थे, इसलिए अजीबोगरीब सामान से लदी हमारी गाड़ियां यहां के लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं रह गई थी। सब जानते थे कि ये वही बलून वाले हैं। देखते ही देखते हुजूम इकट्ठा हो गया। पोबीतोरा से लगते गांव में मवेशी बेहिसाब हैं। इनकी देखरेख का खर्चा भी कुछ नहीं, सुबह उठे और हांक दिया सैंक्चुरी में। पोबीतोरा में इन जानवरों का बेरोक टोक चरना एक संवेदनशील मसला है,
लेकिन इसे सियासी रंग दे दिया जाता है, वोट बैंक की राजनीति होने लगती है। हम पहले तेजी से 400 फुट ऊपर उठे ताकि ठीक बहती हुई हवा मिले। पीतोरा की सही तस्वीर, 100 गाय और एक गैंडा। बार बार पेशाब कर शायद ये अपने इलाके पर हक जता रहा है। दुश्मन बहुत बड़ा है, आखिर इस कान टूटे नर ने मैदान छोड़ ही दिया। पोबितोरा गैंडों के लिए एक माकूल जगह है, लोट लगाने के लिए जगह जगह पानी, चरने के लिए घास के मैदान और आराम के लिए पेड़ों की घनी छाया। विशेषज्ञों के मुताबिक गैंडे के एक जोड़े को 2 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके की जरूरत होती है, लेकिन यहां तो 38 वर्ग किलोमीटर में 80 गैंडे रह रहे हैं। जगह कम, गैंडे ज्यादा। इस अभयारण्य में घास के मैदान 67% हैं, 18% इलाके में जंगल है, बाकी जमीन दलदली है। एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत पोबितोरा से कुछ गैंडों को दूसरे संरक्षित वनों में भेजा जाना है। 2 गैंडे यहां से मनास नेशनल पार्क भेजे जा चुके हैं। हवा ने हमें 25 मिनट में ही पार्क के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। घास के मैदानों में बढ़ती खरपतवार और मवेशियों का अंधाधुंध चरान गैंडों के सामने भोजन का संकट पैदा कर रहा है। बच्चे को शायद आहट मिल गई। भौंकने के साथ साथ ये मुंह फाड़ कर गुस्सा जता रही है। हवा का रुख हमारे अनुकूल है और हम वन विभाग की सीमा चौकी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें देखिए, ये तो बलून दिखाने के लिए अपनी बकरी भी साथ लाई हैं। मौसम मेहरबान रहा और आखिर हम अपने अभियान में सफल हुए। सर्दियों के खत्म होते होते घास के पूरे मैदान बारी बारी वन विभाग द्वारा जलाए जाते हैं। जल्द ही यहां नए अंकुर फूटने लगेंगे जो गैंडों के लिए बढ़िया भोजन होगा। आग से भागने की बजाय इस मौके पर गैंडे और दूसरे जानवर यहां जुटने लगते हैं। दरअसल अध जली घास तपकर मीठी हो गई है, ये दावत जैसा है। भला जंगली भैंसे ऐसा मौका क्यों छोड़ने लगी। शानदार जीव का अस्तित्व ही संकट में पड़ता जा रहा है। असम में पिछले एक ही साल में शिकारी 24 गैंडों की जान ले चुके हैं। आज दुनिया में ये केवल 2,500 के आसपास ही बचे हैं। लोगों में ऐसी भ्रांति है कि इनका सींग और विभिन्न अंग दवाइयों में काम आते हैं और ये कामोत्तेजक गुणों के अलावा टोटकों और भूत प्रेतों से भी छुटकारा दिलाते हैं। असम का एकदम प्रधान शीर्ष है वो गंडार, भारत का असम का, तो उसका जैसा मूल्यवान शीर्ष नहीं है। और ये हाथी उठी वो सब नहीं है, गंडार का इतना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन उसको भी आदमी मार जाता है तो वही हम लोग को सोचता है साला क्या करता है इसको, इतना बड़ा जानवर को मार देता है। सूरज ढलने के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। रात भर उन्हें गैंडों से अपने खेत बचाने हैं, लेकिन ये वक्त ऐसे उपाय ढूंढने का है जिससे किसानों की फसल, गैंडों की जान
और असम की शान बची रह सके।